नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ किरण और स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं बातचीत करने वाला हूं ब्लड ग्रुप ओ वाले लोगों का, जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनके अंदर कुछ खास क्या गुड कैरेक्टर्स होते हैं और कुछ क्या कमियां होती है जो बैड कैरेक्टर्स होते हैं, उनके बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप भी ब्लड ग्रुप वाले ओ हैं तो आपको ये जरूर दिखेगा कि मेरा जो कैरेक्टर्स है यहाँ जो मैं बता रहा हूँ जरूर मिलने वाला है। अगर आप कुछ दूसरे ब्लड ग्रुप वाले हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ सारे ग्रुप का, ए का, बी का, ओ का, ए बी का, सारे चीज़ का डाल दिया हूँ, आप जाके वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले कुछ गुड कैरेक्टर के बारे में बातचीत कर लूँ। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है लीडरशिप का, यानी कि अगर आप भी ब्लड ग्रुप वाले ओ हैं तो आपके अंदर एक लीडरशिप होगा कि मतलब कि आप किसी को लीड कर सकते हैं, मतलब कि आप किसी एक ग्रुप को लीड कर सकते हैं, उसका एक लीडर बन सकते हैं। फिर दूसरा है कि स्ट्रांग होंगे आप, बहुत बाहर से नहीं दिखेगा कि आप फिजिकली बहुत मोटे हैं, बहुत चौड़े हैं, ऐसा नहीं, आप अंदर से स्ट्रांग होंगे, इनर आपका बहुत स्ट्रांग होगा, आप किसी चीज़ को डट कर सामना कर सकते हैं। उसके बाद है कि पॉजिटिव आउटलुक, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, मतलब कि आपका इंटेंशन मतलब कि नेगेटिव कभी होगा ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में आप हमेशा पॉजिटिव रखते होंगे अपने आप को। फिर एक कॉन्फिडेंट होंगे, कोई भी चीज़ काम करने में आप कोई एक चीज़ आपने बोल दिया वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलते होंगे, ये है तो है, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस होंगे आप। फिर पीसफुल होंगे आपको, यानी कि झगड़ा वाला माहौल थोड़ा भी पसंद नहीं होगा, बहुत शांति आप चाहते होंगे, शांत दिमाग हमेशा रखते होंगे, बहुत ही पीसफुल नेचर के होते हैं आप। फिर डिवोटेड होते हैं, कोई भी काम दे दो चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो उसमें आप जम कर दम लगा के काम करते हैं, पूरा उसमें अपना एनर्जी लगा देते हैं, डिवोटेड होते हैं कोई भी काम के प्रति। उसी प्रकार होते हैं कि वॉरियर, यानी कि जापान में जो ब्लड ग्रुप ओ वाले हैं उनको वॉरियर का नाम दिया जाता है कि बहुत योद्धा होते हैं, बहुत वो मतलब कि इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने अपने आप में बहुत मजबूत होते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, इसलिए उनको वॉरियर का नाम दिया जाता है जापान में। वैसे जापान के हो या इंडिया के हो, वॉरियर तो वॉरियर ही होंगे, तो आप हमेशा एक वॉरियर की तरह हैं। ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ही ईमानदार होते हैं, कोई भी चीज़ काम ईमानदारी के साथ करते हैं, आपके अंदर भी दिखता होगा कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ। और ऐसे पीपल उन लोगों को बहुत उससे गुस्सा होती है, चिढ़ हो जाते हैं वैसे पीपल से जो गलत बोलते हैं, जो झूठे चीज़ें जो बोलते हैं उससे बहुत ही चिढ़ के रहते हैं, यानी उनसे बहुत गुस्सा होता है उनके अंदर। ये तो हो गया आपके कुछ जो गुड कैरेक्टर्स हो गए हैं, लेकिन कुछ हमारे चैनल पे मैं बताया जाता हूँ कि जो भी चीज़ बताई जाती है सच्चाई के साथ बताया जाता है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके कुछ बैड कैरेक्टर को भी दिखा दूँ ताकि आपके अंदर की कुछ कमियाँ भी पता चले। सबसे पहला है कि आप जेलस होते हैं, यानी कि आपके अंदर थोड़ा सा जलन की भावना होती है, हाँ कुछ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि नहीं भी हो, लेकिन इसमें ऐसा देखा जाता है कि मैक्सिमम की जेलस की भावना होती है, आपको जलन होता है और कोई कुछ कर रहा है तो आपको अंदर थोड़ी सी एक जलन की भावना आती होगी। कि नन पंक्चुअल होते हैं, यानी कि आपको थोड़ा सा पाबंद नहीं है, यानी कि कोई भी समय पे आप थोड़ा सा उतना पाबंदी नहीं होते हैं, या कोई भी चीज़ पे आप थोड़ा सा कम पंक्चुअल होते होंगे। आप र्यूड होते हैं, थोड़ा सा ढीठ होकर रहते हैं, र्यूड रहते हैं आप, सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, अपने से मतलब होता है आपको, आप इसको अच्छे गुण में ले लो या बुरे गुण में ले लो, अपने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने से मतलब होता है, यानी कि अनकोऑपरेटिव भी बोल सकते हैं आपको, अपने से मतलब होता है, कोई काम को आप खुद से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं कोशिश की आपके कुछ गुड कैरेक्टर्स को और कुछ बैड कैरेक्टर्स को बताने का, आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर वीडियो देखे होंगे तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए